दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो स्केचवेयर एप्लीकेशन है उसमें आप यहां पर फायरबेस कंसोल के प्रोजेक्ट आईडी एप आईडी एंड एपीआई की को कहां से और कैसे एंटर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑन करिए ताकि इस चैनल में आने वाले सभी एडवांस टाइप के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहे। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, जस्ट लाइक ये मेरा एक अर्निंग प्रोजेक्ट है, तो इसे मैं रिस्टोर करता हूं और यहां पर आपको एक लाइब्रेरी में ऑप्शन मिल जाता है फायरबेस का। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसे ऑन करने के रीजंस क्या क्या हैं, मैं आपको छोटा सा डिटेल में बताता हूं। तो इसे ऑन करने से एक सिंपल सा बेनिफिट होता है आपको कि आप जैसे आपको आपका एक क्लाउड स्टोरेज बेस्ड होता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी डेटा को अपलोड करना या डाउनलोड करना या फिर कोई मैसेज सेंड करना, कोई डाटा रखना, यूज़र का डेटा लाइक यूज़र का जो ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम में आप यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप फायरबेस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फायरबेस का अकाउंट आप कैसे ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का इंटरनेट मैं ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू फायरबेस कंसोल का ऑप्शन, तो आप यहाँ से सिंपली जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाना होगा और इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के साथ आपको सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पर आप अपना जीमेल अकाउंट पहले लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने जाना है इस ऐप में एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको गो टू फायरबेस कंसोल पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपली अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा console.firebase.google.com, इतना आपको सर्च कर लेना है एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आएगा वेलकम टू फायरबेस और यहाँ पर आपको आ जाएगा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आप सिंपल सा यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट। तो जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो आपका अपना प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। जैसे मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम बनने वाला है, मेरा ऐप का नाम क्या है, अर्निंग ऐप। ओके, तो यहाँ पर मैं अर्निंग ऐप रख लेता हूँ, EARNNING अर्निंग ऐप। ओके, तो अब यहाँ पर आपका ये अर्निंग ऐप का प्रोजेक्ट बन जाता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो आईडी है वो आईडी आपको चेंज करने के लिए मिल जाता है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर कुछ अपने नंबर डालने होते हैं या फिर कुछ भी डालना होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे डाल देता हूँ तो इसके बाद सेव करना है, कोई ऐसा नाम डालना है आपको कि वो अवेलेबल हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में जाना है एंड यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपके पास प्रॉब्लम आती है, ये एनालिटिक्स का जो लोकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट में रहेगा तो आपको इसे चेंज कर लेना है। आप जिस कंट्री में हैं या फिर जिस कंट्री में ऐप बना रहे हैं तो उस कंट्री को आपको चूज़ कर लेना है। फिलहाल मैं इंडिया करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग कर रहा हूँ। तो इंडिया में चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको इसको पढ़ते जाना है। आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है। तो आप यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, और अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आपको सब कंडीशन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो क्रिएट करने के बाद अब आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है और ये कुछ ऐसा है कि लोडिंग जैसा घूमेगा एंड यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो ये जैसा घूमता है ना तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे घूमता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरा यहाँ पर अर्निंग ऐप का प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको मिल जाता है रिसीव मेल अपडेट अबाउट न्यू फायरबेस साइनअप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कट कर लेता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इस ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर ड्रावर का जो बटन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऐसा ड्रावर खुलेगा। इसके बाद अब आपको चले जाना है इस प्रोजेक्ट के सेटिंग में। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा सेटिंग। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका वेब API की एंड इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट आईडी एंड यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। तो हमें फ़िलहाल एक्सेप्ट करना है क्या, प्रोजेक्ट आईडी, ऐप आईडी एंड API की, ये तीन चीज़ हम लोग को चाहिए। तो फिलहाल प्रोजेक्ट आईडी तो हमें मिल जाएगा लेकिन ऐप आईडी हम कहाँ से लाएं, तो हमें ऐप इसमें ऐड करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू में
एंड ओवरव्यू में जाने के बाद हमें यहाँ पर ऐप को ऐड करना होगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि iOS का ऐप है या फिर एंड्रॉयड का ऐप है या फिर यहाँ पर आपने वेब ऐप बनाया हुआ है या फिर यहाँ पर अपने यूनिटी से ऐप बनाया हुआ है। तो जहाँ से आप ऐप बनाए हैं, तो आप सिंपली, मैं एंड्रॉयड ऐप बनाया हूँ एंड्रॉयड के लिए, तो यहाँ पर आपको अपने ऐप का पैकेज नेम इंटर करना है। तो पैकेज नेम आप कहाँ से इंटर करेंगे, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ यहाँ से एंड इंटरनेट ऑफ करता हूँ। इसके बाद स्केचवर को ओपन करता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मेरा अर्निंग ऐप का प्रोजेक्ट है, यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में जाने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद इसे कॉपी करना है एंड इसे कैंसिल कर लेना है, सेव मत करिएगा क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी, पैकेज नेम चेंज होगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इसके प्रोजेक्ट के पास में, रिस्टोर कर लेता हूँ एंड लाइब्रेरी में फायरबेस के पास। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब तो आपका प्रोजेक्ट कॉपी हो चुका है, तो यहाँ पर नेट ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका पैकेज नेम आ गया और यहाँ पर आपको ऐप का नाम डालना है, जैसे मैं यहाँ पे अर्निंग ऐप डाल लेता हूँ, अर्निंग ऐप। तो यहाँ पर अब आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है डिबग साइनिंग सर्टिफिकेट, तो आप इसे नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल में है। इसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऐप, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है सिंपल सा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ लोडिंग सा लेगा, इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्क्रीन आ जाएगा। तो सेकंड स्क्रीन में आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जेसन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो एक थ्री वाला दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, थ्री पर। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएंगे एंड फोर नंबर पर भी आपको क्लिक करना है। फोर नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेकिंग होगा एंड यहाँ पर अब आपका रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्किप दिस स्टेप को कर लेता हूँ। जैसे आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर अब आपका ऐप ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग ऐप है एंड यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है साइड में, तो यहाँ पर अब आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसका इसका प्रोजेक्ट नेम मिल जाएगा, ऐप का प्रोजेक्ट आईडी, एपीआई की वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, पब्लिक फेसिंग नेम, यहाँ पर आपका ऐप का आईडी भी मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर आपको इसके प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करना है, ये आपका प्रोजेक्ट आईडी है जो मैंने इसे बनाया था शुरू में, कॉपी करना है यहाँ से और इसके बाद अब आपको इसमें आ जाना है, प्रोजेक्ट आईडी पर आपको पेस्ट करना है। इसके बाद मैं चलता हूँ एपीआई की पर, तो ये है आपका वेब एपीआई की, तो इसी की को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपल सा इसमें एपीआई की में आपको पेस्ट करना है, एपीआई की में जाना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद अब आपका ऐप आईडी बच गया, तो ऐप आईडी आपको सबसे नीचे में मिल जाएगा, ऐप जब ऐड करेंगे तभी मिलेगा। इसके बाद ऐप आईडी को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, इतना दूर कॉपी करना है। इसके बाद इसे कॉपी करना है, इसके बाद यहाँ पर जाना है और ऐप आईडी को आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट आप जैसे करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर में नेक्स्ट का बटन, तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज का बकेट URL खोजा जा रहा है, तो स्टोरेज के बकेट URL को हम जनरेट करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेवलप में, तो डेवलप में आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो डेवलप में आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको चले जाना है स्टोरेज में, स्टोरेज में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा एंड बाहर में आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको स्टोरेज बनाना है इसका, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका पूछेगा, यहाँ पर सब रूल बनाने हैं आपको, तो नेक्स्ट करना है यहाँ पर, फिर इसके बाद आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट बकेट, आपका बकेट क्रिएट होने लगेगा और तो अब हमारा ये बकेट क्रिएट हो चुका है एंड इसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला कॉपी फोल्डर पाथ, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी क्लिपबोर्ड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें आ जाना है, तो ये है आपका स्टोरेज का बकेट। तो यहाँ पर आप जैसे इसे पेस्ट करेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा ऊपर। तो आप नेक्स्ट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ आ जाता है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए उससे, अपने डेटा से मिला लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना होगा। जैसे सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अब आपको मिल जाता है ऐप कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी, सब कुछ ऑन हो चुका है। तो ये आपका रेडी हो चुका है और फायरबेस भी रेडी हो चुका है। तो फिलहाल अब इतना कुछ रेडी हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड यहाँ पर
ये और भी सारे बहुत कुछ हैं यहाँ पर, हम डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे एंड डेटाबेस के बाद ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे। तो मैं बता दूँ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूज़र का आप जैसे लॉगिन करवाते हैं तो लॉगिन करने के टाइम में यहाँ पर अब आपका लॉगिन सिस्टम होता है, एंड डेटाबेस में आपका क्या होता है कि यूज़र का लॉगिन और साइनअप का वो जो पासवर्ड होता है और ईमेल आईडी, वो सारे डेटा आप रखते हैं कि, या फिर यूज़र का जो आइकॉन होता है वो अपना यूज़र नेम लगाता है वो यूज़र नेम होता है, और स्टोरेज में आपका क्या होता है उसका जितना भी डेटा जैसे फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, तो इमेजेस फाइल हो गए, कोई भी फोल्डर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप अपलोड करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।